आएगा हाजिरी लेबर चार्ज, और माल मटेरियल तो पार्टी देगा, नहीं तो फिर। आज का टॉपिक है कि आप वाल पुट्टी का काम कैसे पकड़े। तो आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि मैं वाल पुट्टी कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, तो आज मेरा इसमें टॉपिक है कि आप वाल पुट्टी का काम कैसे पकड़े। अभी जैसा कि कंपटीशन का ज़माना है, रेट कुछ और बोलते हैं, और अभी नया नया लड़के आ गए हैं काम पे, वो रेट कुछ और बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि मतलब कि हम लोगों को काम नहीं मिल पाता है, वो काम हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूँ कि आप वाल पुट्टी का काम किस तरह से पकड़ें, आपको भी बचेगा कि आपको काम 100% मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है साहब और आप देख रहे हैं साहब पेंटर चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आप बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के चलिए मान लीजिए कि ये काम किस तरह से पकड़े। तो देखिए आप रूम उसका कितना बड़ा है, 10 बाई 12, 12 बाई 14 कितना का रूम है, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि ये रूम इसके अंदर कितना बड़ा बड़ा रूम है, कितना छोटा रूम है, और उस हिसाब से आप देखिए कि किस तरह से मतलब कि कितना बोरा पुट्टी लग रहा है, वाल पुट्टी। और अगर मान लीजिए आप सिर्फ वाल पुट्टी का पकड़ते हैं तो पेंटिंग का वो अलग आ जाता है बात इसमें। तो आप जो है पहले देख लीजिए इसमें कितना बोरा पुट्टी लग रहा है। तो मान लीजिए एक रूम में 3 बोरा पुट्टी लग रहा है, तो हम उसको बोलेंगे 3000 रुपये, मतलब पुट्टी का हिसाब से हम उसे रेट बताएंगे। 3 बोरा लग रहा है तो 3000 रुपये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे मैं काम लेता हूँ तो मैं पुट्टी के हिसाब से लेता हूँ, तो मुझे काम मिल जाता है और मुझे अच्छा खासा बच जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए पूरा एक यूनिट में आपका एक हॉल, 2 रूम, लेटरिन बाथरूम किचन अगर है, अगर उसमें टोटल पुट्टी लग रहा है मान लीजिए 15 बोरा, तो 15000 रुपये मेरा आएगा हाजिरी लेबर चार्ज। और माल मटेरियल तो पार्टी देगा, नहीं तो फिर आप माल मटेरियल का साथ भी ले सकते हैं। आपका बजट, आपका क्या रेट है वो अपना पता करके ले सकते हैं, और सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से आप काम पकड़ सकते हैं वाल पुट्टी का। और जैसा आपका बोरा लगेगा, मान लीजिए 15 बोरा लगा तो 15000 रुपये, 10 बोरा लगा तो 10000 रुपये, इस तरह से अगर आप काम पकड़ेंगे तो आपको 100% काम मिलने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं अब पेंट का। तो पेंट का तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बस अभी पुट्टी से रिलेटेड बनाया था। तो मतलब पुट्टी घसाई करके प्राइम, जैसा कि वाल पुट्टी और घसाई प्राइमर पेंट का, उसका लेके आपको बताना है कि उसे भी कुछ मतलब कि ऐसा ना हो कि 15 बोरा पुट्टी लग रहा तो 15000 रुपये ले रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप घसाई प्राइमर लेके बताइएगा, 15 बोरा में 15000 रुपये लगेगा घसाई प्राइमर के साथ। तो चलिए मैं पेंट का वीडियो अलग से बना दूंगा कि एक रूम में आपका कितना चार्ज लगेगा पेंट का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।